ये गुटखा प्रतिबंधित होने के बावजूद, बैन होने के बावजूद हर जगह आसानी से मिल जाता है, तो आप सोचिए कि ये जो नेक्सस है ये कितना बड़ा होगा। गुटखे का भंडार, अब ये देख सकते हैं आप कितना कितनी बड़ी मात्रा में, ये सारे गुटखे बेचने के लिए नहीं है, ये सारे गुटखे नया नगर पुलिस स्टेशन की आद में पकड़ा गया है, सीज किया गया है। ये सारे आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में ये गुटखा जो है पकड़ा गया है, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, ये मतलब मुझे लगता है कि हर टाइप के गुटखे हैं, आपको चाहे वो कोई भी गुटखा हो सारा गुटखा है। और सबसे बड़ी बात कि हर ब्रांड के गुटखे हैं और सारे गुटखे जो है महाराष्ट्र में बैन है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए एकदम गोनी का गोनी, एकदम लाखों करोड़ों का टर्नओवर है, आप सबको पता ही होगा, लेकिन कार्रवाई बड़ी कम होती है। अगर मैं कहूँ तो नया नगर पुलिस स्टेशन की तरफ से ये एक बड़ी कार्रवाई है, बहुत बड़ी मात्रा में जो है गुटखा पकड़ा गया है। हालांकि गुटखा के जो मेन सरगना है उस तक पुलिस पहुंचती है कि नहीं वो देखने वाली बात है। कुछ लोगों का कहना है कि इसका जो हब है वो काशीमीरा में है और ये एक बड़ा नेक्सस है, बड़ा नेटवर्क है। देखिए एक पुलिस ऑफिसर आते हुए दिख रहे हैं, जिलानी साहब, अगर वो कुछ, सर ये जो खेप है इसके बारे में अगर कुछ बता पाए तो। ये प्रतिबंधित तंबाकू जन्य पदार्थ है जिसको कल हमारी जो टीम है PSI गर्जे साहब के API पराग भाट, इनको गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर माननीय सीनियर PI वनपुरी साहब और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश प्राप्त कर ये कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में लगभग 20 लाख का गुटखा कार वगैरह मिला के ऐसा जब्ती हुआ है और आरोपी अभी कोर्ट पेशी हुई है। PCR कितना दिन का मिला है मिलने के बाद बता देते हैं। कितने आरोपी आपने अभी दो आरोपी हिरासत में लिए हुए हैं। ये जो यहाँ पर बैक रोड के ऊपर पयाड़े होटल से लेके जो रोड जाता है फ्लावर वैली के, वहाँ पर एक टाटा एस गाड़ी खड़ी हुई थी जिसकी गुप्त सूचना हमारे ड्यूटी ऑफिसर को रात में दी गई, तो फिर उन्होंने वरिष्ठों से आदेश लेके ये कार्रवाई की हुई है। कितनी गाड़ियां पकड़ी गई? दो गाड़ियां पकड़ी गई है, एक एस क्रॉस और एक टाटा एस। यूजुअली ये कोर्ट से हम परमिशन लेके इस माल को उत्तन डंपिंग ग्राउंड के ऊपर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इससे पहले भी कोर्ट ने हमें परमिशन दी हुई है और सब गुटखा जो प्रतिबंधित तंबाकू है, सिगरेट है, उसका वहीं पर डिस्पोजल किया गया हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों ये जिलानी सैयद जी थे जिन्होंने जो है इस बारे में जानकारी दी। ये जो गुटखा है ये करीबन 20 लाख रुपए का बताया जा रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में है। इसमें दो आरोपी पकड़े गए हैं और दो गाड़ियां भी पकड़ी गई है, दो गाड़ी दो आरोपी, 20 लाख का जो है कहीं ना कहीं ये पूरा गुटखा है। आपने गुटखे के बारे में इससे पहले भी कई न्यूज देखा होगा, ये एक एक्चुअली बहुत ही घातक चीज है, ये इंसान की सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है इस गुटखे का। लेकिन ये गुटखा प्रतिबंधित होने के बावजूद, बैन होने के बावजूद हर जगह आसानी से मिल जाता है, तो आप सोचिए कि ये जो नेक्सस है ये कितना बड़ा होगा। तो दोस्तों इनसे बचिए, और अगर आपको कहीं पे ऐसी जानकारी मिले कि किसी तरह से कहीं पे अवैध तरीके से इस तरह का गुटखा बेचा जा रहा है, तो उसकी जानकारी पुलिस को अभी अवश्य दे, जिससे लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। अंत में इतना ही कहेंगे, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।